भारत के खिलाफ भारत की जानिब से राफेल तैयारों की खरीदारी में हथियारों की दौड़ खत्ते का हिस्सा बन जाएगी। पाकिस्तान इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनेगा लेकिन अपना दिफा करना चाहता है। 26 और 27 की मिसाल आपके सामने है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कश्मीरी बददस्तूर भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। करतारपुर अहदारी के इफ्तिताह की हतमी तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ। रिसालपुर पीएफ एकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड, दोस्त मुल्कों के पास आउट होने वाले कैडेट्स भी परेड में शामिल। जवानों का तरबियत का अमली मुजाहरा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का खिताब, कहा कश्मीर पर भारतीय कब्जा नाकाबले कबूल है, मसले कश्मीर अक्वामे मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान फर्मली रिजेक्ट्स अटेम्प्टेड फोर्सफुल एनेक्सेशन of the Indian occupied Jammu and Kashmir. This is illegal and not acceptable to the Kashmiris or Pakistan. मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियों का सरसचवा दिन, भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने में मसरूफ। गजाई बहरान संगीन हो गया, अद्वियात की किल्लत भी जारी। 3 माह से कश्मीरी भूखे प्यासे और बीमार हैं। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों को घर से निकाल निकाल कर मार रही है। हुर्रियत रहनुमा की अहलिया मशाल मलिक की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, सवाल किया आलमी बरादरी कब तक खामोश रहेगी। तीसरा महीना शुरू हो गया कि वहाँ पे भूख और प्यास से अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट है, कोई फूड सप्लाईज नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है। मौलाना का आजादी मार्च पीपल्स पार्टी ने तो हां कर दी, नून लीग कायदीन कश्मकश का शिकार, हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे मगर उनसे पूछा जाएगा, पूछने कौन जाएगा। शहबाज शरीफ को तो कमर पकड़ कर बैठ गए, आज कोर्ट लखपत जेल नहीं जा सकेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं फैसले के मुंतजर है, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। से हम मुंतजर हैं, जो ही नवाज शरीफ साहब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी उसके ऊपर। फॉरेन फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की चारों दरखास्तें खारिज कर दी। स्क्रूटनी कमेटी को काम जारी रखने की हिदायत, अकबर एस बाबर को 14 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। पीटीआई ने अकबर एस बाबर की बदनीयती, स्क्रूटनी कमेटी की बगैर इत्तलाक कार्रवाई, तफसीलात लीक होने और अकाउंट्स की मालूमात न मिलने को चैलेंज किया था। पीटीआई हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार है, 79% पाकिस्तानियों का इसरार, 53% शहरी हुकूमती कारकर्दगी से नाराज। गैलप सर्वे में इंकशाफ, पंजाब में भी तब्दीली की आवाज, 44% अफराद के मुताबिक उस्मान बुज़दार को तब्दील कर देना चाहिए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप बिलाल गिलानी की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। चाहते हैं हुकूमत टैक्स ले लेकिन पॉलिसी से पहले मुशावरत तो कर ले। ताजी रहनुमा मोहम्मद रिजवान इरफान का प्रोग्राम नया दिन में शिकवा, कहा हुकूमत बात नहीं करना चाहती, सिर्फ आईएमएफ के अहकामात पर अमल करना चाहती है। 15 अक्टूबर को इलामती हड़ताल और 28-29 अक्टूबर को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। 15 अक्टूबर से जो है एक घंटे की हड़ताल होगी आर्जी, उसके बाद जो कम्प्लीट हड़ताल है पूरे पाकिस्तान में वो 28 और 29 को। टायर स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त, नैब की जानिब से बड़े पैमाने पर जालसाजी केस की इब्तदाई तफ्तीश मुकम्मल। आतिफ जमान के खिलाफ 30 सरमायाकारों का नैब से राबता, आतिफ जमान ने टायर बिजनेस में पुरकशिश, सरमायाकारी का ख्वाब दिखाकर अवाम को धोखा दिया। नैब की तफ्तीशी टीम को डीजी नैब की जानिब से मजीद हिदायत जारी, तफ्तीश को मुकर्रा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाए, आतिफ जमान और साथियों के गैर कानूनी असासों का पता लगाया जाए। साइंस सरकार की 30 रोजा सफाई मुहिम खत्म होने में 12 दिन बाकी, कराची के बेशतर इलाकों से कचरा ना उठ सका। नॉर्थ नाजमाबाद से लेकर सोल्जर बाजार तक गटर उबलने का सिलसिला जारी। मिल्लत नगर में सीवरेज लाइन से मोटरसाइकिल का इंजन बरामद, वजीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं मोटरसाइकिल इंजन ही नहीं रजाइयां फुटबॉल भी निकल रहे हैं। समाज दुश्मन चाहते हैं गंदगी फैले और ये सियासत करें। छोटा सा प्लॉट और बड़ी सी बिल्डिंग, कराची की कच्ची आबादियों में इमारतें बढ़ने और गलियां सुकड़ने लगी। एम्बुलेंस और इमदादी टीमों के लिए भी पहुंचना आसान नहीं,
ठेकेदारों ने गैर कानूनी तामीरात के अंबार लगा दिए, पूछने वाला कोई नहीं। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू। पूरे शहर में 120 गज पे क्या बनाएंगे, 400 गज पे क्या बनाएंगे, कमर्शियल पे क्या बनाएंगे, आपका बड़े प्लॉट्स पे क्या बनाएंगे, हाई डेंसिटी जोन्स अलग बने हुए हैं जिसमें अनलिमिटेड साइज है, तो हर चीज डेफिनेशन लिखी हुई है। तुर्की की जारहत का कानूनी तरीके से जवाब देंगे शामी सदर का ऐलान। तुर्क इकदामात से खत्ते की सलामती और इस्तेहकाम पर मनफी असरात पड़ेंगे। दाश के खिलाफ आलमी कोशिशें कमजोर होंगी। सऊदी अरब की मजम्मत, तुर्की शाम की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करें, ईरान ने मुतनब्बे कर दिया। शाम पर हमला करना अच्छा फैसला नहीं, अमरीकी सदर ट्रंप की मजम्मत। अमरीकी सेनेटर्स का तुर्की पर पाबंदियों का मुतालबा, बिल की तैयारी शुरू। तुर्की की यकतरफा कार्रवाई नाकाबले कबूल है। बरतानवी वजीर खारजा की भी तनकीद, तुर्की के फौजी ऑपरेशन से पनाह गुजीनों की नई लहर पैदा होगी। यूरोपीय यूनियन ने खबरदार कर दिया, संगीन सूरत हाल पर अक्वामे मुत्तहदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। मुल्तान की जरई यूनिवर्सिटी के तलबा ने दिया दालों को नया रूप, मुख्तलिफ डिशेज तैयार करके सबको हैरान कर दिया। हलवा, पकौड़े, बर्फी और देसी खाने देखकर सबके मुंह में पानी भर आया। हलीम की खुशबू हर सू फैली तो सबको भूख सताने लगी। सैर को जाना है तो फिक्र ना करें, बस बैग उठाओ और निकल पड़ो। कराची की बाहिम्मत लड़की ने कर दिखाया कुदरती हुस्न से मालामाल। पाकिस्तान के सियाहती मकामात की वीडियोस बनाकर दुनिया तक अम का पैगाम पहुंचाया। वीलॉगर अंबर जुल्फिकार बनी नया दिन की मेहमान, कहा सियाहती मकामात पर रहने वाले बहुत मेहमान नवाज हैं। भारत के खिलाफ भारत की जानिब से राफेल तैयारों की खरीदारी में हथियारों की दौड़ खत्ते का हिस्सा बन जाएगी। पाकिस्तान इस दौड़ का हिस्सा नहीं बनेगा लेकिन अपना दिफा करना चाहता है। 26 और 27 की मिसाल आपके सामने है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा कश्मीरी बददस्तूर भारतीय मजालिम का सामना कर रहे हैं। करतारपुर अहदारी के इफ्तिताह की हतमी तारीख का फैसला अभी नहीं हुआ। रिसालपुर पीएफ एकेडमी असगर खान में पासिंग आउट परेड, दोस्त मुल्कों के पास आउट होने वाले कैडेट्स भी परेड में शामिल। जवानों का तरबियत का अमली मुजाहरा, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात का खिताब, कहा कश्मीर पर भारतीय कब्जा नाकाबले कबूल है, मसला कश्मीर अक्वामे मुत्तहदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तान फर्मली रिजेक्ट्स अटेम्प्टेड फोर्सफुल एनेक्सेशन of the Indian occupied Jammu and Kashmir. This is illegal and not acceptable to the Kashmiris or Pakistan. मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियों का सरसचवा दिन, भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों पर मजालिम ढाने में मसरूफ। गजाई बहरान संगीन हो गया, अद्वियात की किल्लत भी जारी। 3 माह से कश्मीरी भूखे प्यासे और बीमार हैं। काबिज भारतीय फौज कश्मीरियों को घर से निकाल निकाल कर मार रही है। हुर्रियत रहनुमा की अहलिया मशाल मलिक की प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू, सवाल किया आलमी बरादरी कब तक खामोश रहेगी। तीसरा महीना शुरू हो गया कि वहाँ पे भूख और प्यास से अभी तक कंटिन्यू कर रहा है, इकोनॉमिक ब्लॉकेट है, कोई फूड सप्लाईज नहीं है, कोई मेडिकेशन नहीं है। मौलाना का आजादी मार्च, पीपल्स पार्टी ने तो हाँ कर दी, नून लीग कायदीन कश्मकश का शिकार, हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे मगर उनसे पूछा जाएगा, पूछने कौन जाएगा। शहबाज शरीफ को तो कमर पकड़ कर बैठ गए, आज कोर्ट लखपत जेल नहीं जा सकेंगे। एहसन इकबाल कहते हैं फैसले के मुंतजिर हैं, जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। से हम मुंतजर हैं, जो ही नवाज शरीफ साहब से हमें जो भी हिदायत मिलेगी उसके ऊपर। फॉरेन फंडिंग के सिलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की चारों दरखास्तें खारिज कर दी। स्क्रूटनी कमेटी को काम जारी रखने की हिदायत, अकबर एस बाबर को 14 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत। पीटीआई ने अकबर एस बाबर की बदनीयती, स्क्रूटनी कमेटी की बगैर इत्तलाक कार्रवाई, तफसीलात लीक होने और अकाउंट्स की मालूमात न मिलने को चैलेंज किया था।
پی ٹی آئی حکومت مہنگائی کی ذمہ دار ہے، 79% پاکستانیوں کا اصرار، 53% شہری حکومتی کارکردگی سے ناراض، گیلپ سروے میں انکشاف، پنجاب میں بھی تبدیلی کی آواز، 44% افراد کے مطابق عثمان بزدار کو تبدیل کر دینا چاہیے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر گیلپ بلال گیلانی کی پروگرام نیا دن میں گفتگو۔ چاہتے ہیں حکومت ٹیکس لے لیکن پالیسی سے پہلے مشاورت تو کر لے، تاجی رہنما محمد رضوان عرفان کا پروگرام نیا دن میں شکوا، کہا حکومت بات نہیں کرنا چاہتی صرف آئی ایم ایف کے احکامات پر عمل کرنا چاہتی ہے، 15 اکتوبر کو علامتی ہڑتال اور 28-29 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان۔ 15 اکتوبر سے جو ہے ایک گھنٹے کی ہڑتال ہوگی عارضی، اس کے بعد جو کمپلیٹ ہڑتال ہے پورے پاکستان میں وہ 28 اور 29 کو۔ ٹائر سکینڈل میں بڑی پیش رفت، نیب کی جانب سے بڑے پیمانے پر جال سازی کیس کی ابتدائی تفتیش مکمل، آتف زمان کے خلاف 30 سرمایہ کاروں کا نیب سے رابطہ، آتف زمان نے ٹائر بزنس میں پرکشش سرمایہ کاری کا خواب دکھا کر عوام کو دھوکہ دیا، نیب کی تفتیشی ٹیم کو ڈی جی نیب کی جانب سے مزید ہدایات جاری، تفتیش کو مقررہ مدت کے اندر مکمل کیا جائے، آتف زمان اور ساتھیوں کے غیر قانونی اثاثوں کا پتہ لگایا جائے۔ سائنس سرکار کی 30 روزہ صفائی مہم ختم ہونے میں 12 دن باقی، کراچی کے بیشتر علاقوں سے کچرا نہ اٹھ سکا، نارتھ ناظم آباد سے لے کر سولجر بازال تک گٹر ابلنے کا سلسلہ جاری، ملت نگر میں سیوریج لائن سے موٹر سائیکل کا انجن برآمد، وزیر بلدیات سعید غنی کہتے ہیں موٹر سائیکل انجن ہی نہیں رضائیاں فٹ بال بھی نکل رہے ہیں، سماج دشمن چاہتے ہیں گندگی پھیلے اور یہ سیاست کریں۔ چھوٹا سا پلاٹ اور بڑی سی بلڈنگ، کراچی کی کچی آبادیوں میں عمارتیں بڑھنے اور گلیاں سکڑنے لگیں، ایمبولنس اور امدادی ٹیموں کے لیے بھی پہنچنا آسان نہیں، ٹھیکیداروں نے غیر قانونی تعمیرات کے امبار لگا دیے، پوچھنے والا کوئی نہیں، چیئرمین آباد محسن شیخانی کی پروگرام نیا دن میں گفتگو۔ پورے شہر میں 120 گز پہ کیا بنائیں گے، 400 گز پہ کیا بنائیں گے، کمرشل پہ کیا بنائیں گے، آپ کا بڑے پلاٹس پہ کیا بنائیں گے، ہائی ڈینسٹی زونز الگ بنے ہوئے ہیں جس میں انلمیٹڈ سائز ہے، تو ہر چیز ڈیفینیشن لکھی بھی ہے۔ ترکی کی جارحیت کا قانونی طریقے سے جواب دیں گے شامی صدر کا اعلان، ترک اقدامات سے خطے کی سلامتی اور استحکام پر منفی اثرات پڑیں گے، داعش کے خلاف عالمی کوششیں کمزور ہوں گی، سعودی عرب کی مذمت، ترکی شام کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کا احترام کرے، ایران نے متنبہ کر دیا۔ شام پر حملہ کرنا اچھا فیصلہ نہیں، امریکی صدر ٹرمپ کی مذمت، امریکی سینیٹرز کا ترکی پر پابندیوں کا مطالبہ، بل کی تیاری شروع، ترکی کی یک طرفہ کارروائی ناقابل قبول ہے، برطانوی وزیر خارجہ کی بھی تنقید، ترکی کے فوجی آپریشن سے پناہ گزینوں کی نئی لہر پیدا ہوگی، یورپی یونین نے خبردار کر دیا، سنگین صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب۔ ملتان کی زرعی یونیورسٹی کے طلبہ نے دیا دالوں کو نیا روپ، مختلف ڈشز تیار کر کے سب کو حیران کر دیا، حلوہ پکوڑے برفی اور دیسی کھانے دیکھ کر سب کے منہ میں پانی بھر آیا، حلیم کی خوشبو ہر سو پھیلی تو سب کو بھوک ستانے لگی۔ اور سیر کو جانا ہے تو فکر نہ کریں، بس بیگ اٹھاؤ اور نکل پڑو، کراچی کی باہمت لڑکی نے کر دکھایا، قدرتی حسن سے مالا مال پاکستان کے سیاحتی مقامات کی ویڈیوز بنا کر دنیا تک امن کا پیغام پہنچایا، ویلوگر امبر ذوالفقار بنی نیا دن کی مہمان، کہا سیاحتی مقامات پر رہنے والے بہت مہمان نواز ہیں۔